हेलो, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकम ऑन अवर न्यूज पोर्टल, लेट्स फोकस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक एक बार फिर की है। मोदी सरकार ने अभी तक 224 ऐप पर रोक लगा दी है। लद्दाख में सेना पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को गेमिंग ऐप पबजी के साथ ही वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, एपलॉक, कैरम फ्रेंड्स समेत चीन से जुड़े 118 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह चीन के खिलाफ तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। पहली कड़ी में टिकटॉक समेत 59 तथा दूसरी बार 47 ऐप्स पर रोक लगाई गई थी। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा इन ऐप से देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा को खतरा था। शिकायतें मिली थी कि ये ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से निजी सरकारी और जानकारियां चुराते थे और अवैध रूप से बाहर भेजते थे। डाटा को इस्तेमाल देश की संप्रभुता और रक्षा के खिलाफ हो रहा था। यह बेहद चिंता का कारण था, इसलिए सरकार ने आपातकालीन कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगाया। करीब 100 और ऐप हैं जिन्हें प्रतिबंधित करना अभी बाकी है। आपको बता दें कि जून में आखिरी सप्ताह से भारत सरकार की ओर से चाइनीज और विदेशी ऐप्स को बैन करने का सिलसिला जारी है और इस बार पबजी मोबाइल पर भी गाज गिरी है। पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम समेत सरकार ने कुल 118 ऐप्स को बैन कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते थे। नए आदेश में 118 ऐप्स की लिस्ट शामिल है और सरकार की ओर से कहा गया है कि इन ऐप्स की ओर से कलेक्ट किए गए डेटा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें बैन करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंसर और होम मिनिस्ट्री की ओर से भी इन ऐप पर बैन लगाने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन ऐप्स के फंक्शंस और यूजर्स का डेटा कलेक्ट किए जाने के पैटर्न की जाँच की गई और ज़रूरी इनपुट्स मिलने के बाद इन्हें देश की सुरक्षा के लिए चिंताजनक बताया गया। इन ऐप्स की ओर से कलेक्ट और शेयर किए गए डेटा के चलते ये सवालों के घेरे में आए। डेटा और जानकारी बाहरी देशों से साझा कर ऐप्स यूजर्स और राष्ट्र की सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, जिसके चलते इन पर बैन लगाया गया। सरकार की ओर से अब इन 118 ऐप्स पर बैन लगाया गया है। उनमें पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वी चैट वर्क और वी चैट रीडिंग जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेशन मिलती रहें। टिल देन, लेट्स फोकस।